उन्हों क्योंकि लोगों रोज मत्थे लगते ने बहुत सारिया समस्यावान ने वो दसना चाहते ने बहुत सारे यहोजे भी ने जिन्हें फोटो खिंचा ने फोटो उन्होंने है मेरिया पहला भी पर नवे कपड़े खिंचा सो वास्ते असी प्रबंध किया। इस बाद मैं पैलेस के आप बैठा गलबात करा कोई भी समस्या कोई भी किसी किस्म का कोई काम हो दस्यो क्योंकि तुसी साढ़े अगे होंगे सी तुसी सानू लेके जाते सी इतों खब्बे ने जी इतों सज्जे मुड़ना है इन्हों के घर मुरली लंघना है इन्हों के घर मुरली लंघना नहीं ये सारा कुछ थोनू पता सी कि घर मुरली लंघ के फायदा है कि घर मुरली जाके मैं टाइम वेस्ट हो फायदा कोई नहीं कर पक्का बंद विरोध 2014 के भी जो ती सवा दो लख से मैनू पार्लीमेंट भेजे मैं पार्लीमेंट मुद्दे खाने लग्या तो 14 के शुरू च 15 के शुरू च 2015 के शुरू च धूरी दी जिमनी चोण आ गई वो अरविंद खन्ना इस्तीफा दे गया तो 15 के शुरू च फरवरी मार्च च चोणा आ गई धूरी दी प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी तो आए संगत दर्शन कर लगे गोविंद सिंह लौंगोवाल जी उन्होंने उम्मीदवार से उस वेले इस टोल प्लाजे के लगन के चांस बन गए सी दंद कथा चल पी सी भी इतने बनू तो बादल साहब ने बड़े बादल साहब मुख्यमंत्री सी उस वेले तो उन्होंने थोड़े पिंड जाके ये गल कही संगत दर्शन च कि सानू वोटा पाओ ये टोल प्लाजा लगन नहीं देना सही है ना थोड़े पिंड भी आए हो वोटा पा दिया अप्रैल 2015 के विच गोविंद सिंह लौंगोवाल जी MLA बन गए बन साल आ भी बन लग गया तीन चार महीने बनने लगे टोल प्लाजे सात साल की म्याद दी सी 5/9/2015 5/7/2015 को यह चल पाया पहली पर्ची कटती सी बादल साहब ने कहा नहीं लगन देना पर तीन चार महीने बना के क्योंकि पहली पता सी कि वोटा लेने की बात देखते इन्हों कौन पुछता तो इतने पर्चे कटन लग गए की कर सकते वोटा वापस ले नहीं सकते जो कौन उतले दूजे पास वोटा वापस लैन करते हम नहीं मिलती हम नवी वोटी होगी तो चार महीने चल पाया 7 साल की म्याद तो मैं पार्लीमेंट के मुद्दा उठाया कि जी मैनू यह दस दो जगह जगह टोल प्लाजे लग गए ये टोल प्लाजा किन्ने पैसे लेंदा सी सिंगल दे कार दे 60 रुपये आन जान दे 90 जड़े लाइट कमर्शियल व्हीकल ने उन्हां दा 95 जान दे जे डबल लेना 145 बस ट्रक जिहड़े 2XL वाले ने 200 रुपया एक बार का 295 आन जान 3XL 210 एक बार दे 320 आन जान 4 to 6XL वाले
310 कले जान दे 460 हो जान दे ते बड़े साइज़ दे 6 से 7 एक्स लड़े जे ट्रक चलते ने जब वहीकल चलते ने 375 कले जान दे 565 आन जान दे वीरो जदों एकड़ा एकड़ा कल्ला है इधर नूं गल जो उधर नूं है इधर नूं हो जाओगे उधर नूं है इधर नूं हो जाओगे उधर नूं है इधर नूं तुर पर घोर है जदों इन्ना ट्रकां वाले नूं दिल्ली तो चलते ने महाराष्ट्र तो चलते ने गुजरात तो चलते ने चेन्नई तो चलते ने जो टैक्स दिंदे आउंदे ने वो चीज जिहड़ी 5 रुपए की होंदी है इत्थे आके 95 रुपए की हो जाती है क्योंकि टोल प्लाजा दे पैसे जिहड़े ने वो तो व्यापारी ने तो यह कहना जी इन्ने टोल प्लाजे ते लगदे ने मैं तरीक बधाऊंगा कर करा के कितने ना कितने गल अपने पे आके निपटदी 7 साल हो गए चला लिया 2017 च वोटां पईआं तां कांग्रेस जित गई जितन सारे दर्द लोगों तक फैल गई इल्जाम कह लो भी जेड़ा नवा जो पै लिया उन्हें हिस्सा पा लिया लग 2 रुपये हो गए कितने जाए घर घर यह कह भी नहीं है फलाना दिन इधर की सड़क जी भी बनाई कहते ना जो मर्जी करी चल हूं तो है कि नहीं करे जी गल जाती जाती सो वीरो संगरूर तो लुधियाने जाना है 70 किलोमीटर 2 ने अहमदगढ़ के परले पास है जानी के ओने का ही डीजल लगता है ओने का ही टोल प्लाजे जानी के आप डीजल जोड़ा पवा रहे हैं दुगने रेट से पवा रहे हैं क्योंकि उन्ने पैसे और देने पैणगे सड़क पर पार्लीमेंट ने मुद्दा उठाया सी कि जो असं गड्डी खरीदते हैं शोरूम के 8% उस गड्डी की कीमत से सानू रोड टैक्स देना पैंदा दिने ना रोड टैक्स उसकी कीमत जिन्ने की भी गड्डी है तो फिर रोड टैक्स मतलब सड़कों का टैक्स भी गड्डी सड़कों से तुरूगी तो सड़कों से तुसी आ लाते तो असी कि सड़क तो जाइए फिर जो टैक्स फिर कि सड़कों का है जो सातों उत्ते लेंगे जो असी सड़क ही किराए से लेनी है मतलब 90 रुपये दे के सड़क 24 घंटे वास्ते अपने को किराए से हो गई फिर जी साढ़े को पैसे लेने फिर वह किधर गए सो भीरो जे कलॉज पा ले जे एग्रीमेंट कर ले मेरे को फाइल आई मैं कोई किसी का विरोध कर नहीं आया मैं दसन आया थोड़ा क्योंकि मैं थोड़ा पता ही है मैं तो सारा दस देना उन्होंने फाइल आई कहनी जा 6 महीने बधाओ जा 50 करोड़ तो उपर पैसे देने पैने मैं कहे कहीं संगरूर तो लुधियाने वाले तो उन्हें टोल प्लाजे वाले मंगते हैं मैं कहे मांगते कहते जी किसान अंदोलन करके घाटा पै गया तो कोरोना करके घाटा पै गया 6 महीने बधाओ जी ने 6 महीने अभी होर चलावे जा फिर सू पै मैं क्या जी मैं दोनों ही ना करा कहते जी थोड़ी मर्जी है मैं क्या जी कोरोना जोड़ा है वह नैशनल डिजास्टर है देश से कुदरती पूरी दुनिया से कुदरती आफत आई वह कड़ा कल इस एरिए आई सी तो कोरोना करके होर बहुत सारे लोगों के बिजनेस डाउन हो गए उन्होंने भी तो घाटा झले ही है तुम चलो ना ये कहते ना कोरोना साढ़े तो नहीं आया कोरोना लोगों से आया बस नंबर 2 किसान अंदोलन मोदी जी ने गलत कानून बना के तेन 1 साल किसान उत्थे बैठे ने बॉर्डर ते अज रात 12 बजे तो बाद यह तो बहाड़ा ये दोनों टोल प्लाजे बंद हो गए हूँ इतों इधर सूए पै के नानकियाने को निकल की लड़ नहीं इधर उधरों चोरी हो जाने की लड़ नहीं
ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਦੋ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਦੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਟੇਟ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡ, 10 ਮਹੀਨੇ ਕਰ, ਮੈਂ 4 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਚਾ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਇਕੱਲੇ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਚੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ। ਔਰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ, ਸੜਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ 100 ਕਰੋੜ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਲ ਲਾ ਲਿਓ ਇੱਕ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 120 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, 110 ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਈਏ ਟੋਲ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ 120 ਦੀ ਬਜਾਏ 200 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਸਾਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਲ ਕੱਢਾ ਪਾ ਦੋ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 5-10 ਰੁਪਏ, ਚੇਪੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧ ਚੇਪੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ 95 ਹੁਣ 100 ਟੇਪ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਧਰੋਂ ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਆ ਗਈ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਸੀ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ।
क्योंकि वह कहते कि तू पहला सानू किन्ने दोगे वह कहती सोनू सोनू मतलब कह सानू वह कहती अस 2000 मुंडे कुड़ियों को काम देवे वह कहते गोली मारो छो काम सानू दसो कि एग्रीमेंट परिवार फिर वह एग्रीमेंट करते नहीं सी कि मध्य प्रदेश वह कि राजस्थान कितने होर चले जाए जो मेरे को आने मैं उन्होंने कहना काम किन्न दोगे वह कहते जी 2000 मैं ना 2500 करो यूनिट एक होर बढ़ा लो बिना कोई रिश्वत दे थोनू सी एल ई थोनू पोल्यूशन सर्टिफिकेट क्लीयरेंस सारिया मिलनगियां बस साढ़े धियां पुत्तां नूं काम दिओ साढ़े मुंडे कुड़ियां नूं काम दिओ और पंजाब तों ही होने चाहीदे आ काम करन वाले जे कोई बाहरों मंगाउणा पैंदा है कोई इंजीनियर जिहड़ा इत्थे नहीं मिलदा थोनू महाराष्ट्र तों मंगाउणा पै रिहा है बंगलौर तों मंगाउणा पै रिहा है बस सानू इक वारी उहदा कोर्स दस दो कि उन्हें कहड़ी डिग्री की है उ कॉलेज खोल के असं इतने थानू अगले साल वह भी दे देंगे कम दो सो आप बेनती कर ली मैं थोड़े को आया मैं मीडिया का भी बहुत धन्यवाद करता बहुत छोटी जी सदे से तुम इतने पहुंचे हो संगरूर का तो मीडिया और गर्मी है और आप उधर भी मिलेंगे इन्हों हूँ अच 12 बजे तक लंगर लंघा लैन महीने लंघते हैं उस तो बाद फिर मिलते रहेंगे धूरी वाले का मैं जे हर सांभ बाद भी धन्यवाद कर लग जा ता भी कई जन्म लेने पैणगे धन्यवाद कर लिए इन्ना प्यार का करजा धूरी वाले ने चढ़ाया मेरे सिर सो मैं आता जाता रहूँगा मेरा परिवार आता जाता रहा क्योंकि पूरी जिम्मेवारी सारे पंजाब की है ता करके तुसी ये ना महसूस करो कि भगवंत मान कित आया नहीं सगो माण महसूस करो कि कोई गल नहीं इतने की फिक्र ना कर उधर देख के मैं उधर का पंजाब ठीक कर लिए सारा पंजाब ठीक कर लिए जिस तरह चीमा साहब ने कहा भारत है वांग मुंदरी विच नग पंजाब का यह नग की जिहड़ी चमक है ना वो फिक्की जी पै गई सी इहनू दुबारे चमकाउणा है खेडां वाला प्रोग्राम देखो शुरू किया थोड़े बच्चे खेडां वल जा रहे हैं पहला भूल ही गए थे असं पांचवीं छेवीं सत्तवीं अठवीं नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं आए मुझे बच्चे ने खेडा ही भूल गए थे असं बास्केटबॉल उच्ची छाल जिमनास्टिक हैंडबॉल बॉक्सिंग तुम देखा मैं जलंधर प्रोग्राम किया किन्ने बच्चे आए 4 लाख के करीब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा ली कि असं हिस्सा लेना है 2 महीने चलनगे खेडा खेडणगे जित के आउणगे मामा खुश होणगियां उन्हां नूं घिओ खवाउणगियां ते उन्हां दा भी ध्यान शाम नूं एक्सरसाइज वल जाऊगा किते बुरी संगत वल पैण जा किते ड्रग डोग वाले सोचणगे नहीं आपां आउण वाली पीढ़ी नूं बचा रहे हां ते जिहड़े ड्रग दे विच पै चुके ने उन्हां नूं भी आपां वापस लै के आ रहे हां ते आ जाओ आपां दुबारे इसे पंजाब नूं पंजाब बनाइए रंगला पंजाब बनाइए इन्नी क हाजरी मेरी कबूल कर लियो तो मैं थोनों बधाइया देन आया अज कि कल तो बाद यहोजे वेले जो तुसी 2 टोल प्लाजे संगरूर तो लुधियाने तक के जिहड़े तुहाडे लगभग 180 रुपये जे आउण जाण भी कर लिए 90 इत्थे 90 उत्थे 180 रुपये जिहड़े ने आउण जाण जो बचणगे उस 180 नाल कोई बच्चों कढाउणे कोई फीस जवाकों की तो बिजली के बिलों का तुहानू पता ही है आने वाले दिनों के असी यह करांगे कि 51 लाख बिजली के बिल जिहड़े ने 0 आउणगे 74 लाख चो 22-25 लाख आ गए क्योंकि हर रोज बिल बनते हैं सानू पुरानी डेट के बिल अजे चल रहे हैं जदों अगस्त 31 तक के कंप्लीट हो गए असी वो थोड़े सामने दिखा देंगे वो गरंटी भी पूरी करके असी दिखा दी जिहड़े कहिंदे सी कि थोणगे जी पैसे जे वो उन्होंने मैं कहना चाहना नीयत साफ हो गई तो सब कुछ हो जाता है बहुत बहुत मेहरबानी इनकलाब इनकलाब बोले सो निहाल आप उत्थे मिलते हैं मैं थोड़ा जिहा मीडिया को संबोधन करना उस तो बाद उत्थे आना बहुत बहुत धन्यवाद।